तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आ गया हूँ मैं एक नए चैप्टर को लेके, एक नई मस्ती के साथ, एक नई ऊर्जा उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मजे करेंगे अच्छे से और कराऊंगा मैं आपको एक नया चैप्टर। हम पढ़ने थोड़ा आते हैं, हम तो मजे करने आते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे बाकी यूट्यूबर्स को देखते हो ना कि वो कंटेंट के साथ एंटरटेनमेंट देते हैं, मैं यहाँ पे स्टडी के साथ एंटरटेनमेंट देता हूँ। आ गया एंटरटेनमेंट के लिए, आगे चलो बुला लो बच्चों को, बुला लो सबको, बुला लो सबको, बुला लो साथ साथ, सबको मैसेज कर दो, शेयर कर दो। जितने भी है लाइव वीडियो, मुझे नहीं पता लाइव वीडियो नहीं आई वैसे, लेकिन अपने दोस्तों को शेयर करो, इसे मैसेज करो जल्दी जल्दी, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, दिल से दिल मिलाने के लिए। आगे चलते हैं, बाय बाय, चलो जल्दी करो, ठीक है, जल्दी अच्छे बच्चे की तरह करते हैं। मैं अच्छे बच्चे की तरह आपको पढ़ाऊंगा, और क्या, अच्छे बच्चे की तरह हम कोई पढ़ाते ही नहीं। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को बिना किसी टाइम वेस्टेज के, पर आज सबका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा शुरू हो चुका है चैप्टर 2, जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स लॉजी, ठीक है, मतलब कि बायोलॉजिकल। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बायो मीन्स लिविंग और लिविंग, ठीक है, स्पेलिंग को मजाना, ये हैंड राइटिंग को मजाना, ये बायो मतलब लिविंग और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। उनकी क्लासिफिकेशन को, यानी कि उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात है, डरने की कोई बात नहीं है, खुशियों से अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब ए बी सी डी, ए क्या हमारी क्लास में टॉपर्स, ए क्या हमारी क्लास में एवरेज, ए क्या हमारी क्लास में मीडियम, एक है हमारी क्लास में फेलियर्स, ठीक है। तो इनकी एक लिस्ट बना दी, इनकी एक लिस्ट बना दी, इनकी एक लिस्ट बना दी, इनकी एक लिस्ट बना दी। अब हम इनको पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे। पढ़ ले क्या? नहीं सर, हमें नहीं पढ़ना यार, आज क्यों पढ़ा रहे हो, आज तो छुट्टी दे दो हमें, हैं? चलो ठीक है, जल्दी से रब करते हैं, अपनी स्मार्ट क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि यही हमारी स्मार्ट क्लास है यूट्यूब पर। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बल्ले बल्ले आगे बढ़ेंगे पूरी जिंदगी में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, यार कुछ नहीं है, कहानी है। जैसे ही एक सिविलाइजेशन शुरू होती है वहां पे बहुत अटेम्प्ट्स किए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए, जहाँ पे हम क्या समझते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए जीते हैं, और तो और अपने यूज के लिए, अपनी साइंटिफिक यूजेस के लिए उसे स्टडी करते हैं। एरिस्टोटल जो थे वो फादर ऑफ बायोलॉजी थे, जिन्होंने बताया पहले अटेम्प्ट में साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ नहीं। उन्होंने क्या बोला, भैया प्लांट्स को लो, ये देखो ये रहा, प्लांट्स को लो, एनिमल्स को लो, और हमारे दुनिया में क्या है, सिर्फ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो इन दोनों को एनिमल और प्लांट के बेस पे क्या कर दिया हमने, इन दोनों को हमने प्लांट्स और एनिमल्स के बेस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी, कि भैया प्लांट्स और एनिमल ही देखे हमने तो आज तक, तो हमने आज तक क्या देखे है, पेड़ पौधे ट्री श्रब एनिमल्स देख लिए, एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, रेड ब्लड सेल्स और जिनके पास रेड ब्लड्स नहीं है, यानी कि जिनके पास लाल खून है और जिनके पास लाल खून नहीं है, कुछ के पास है ना। तो बड़े अच्छे से इन्होंने ये बताया एरिस्टोटल ने। बात आई लीनियस, अब लीनियस आते हैं, लीनियस क्या बताते हैं कि भैया मैंने भी एनिमल और प्लांट को देखा है, तो क्या हम इसे एनिमल और प्लांट के अंदर कर दें, ठीक है सर इसे एनिमल और प्लांट के अंदर कर देते हैं, चलो जी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी प्लांट और एनिमेलिया के बेस पे। प्लांट और एनिमेलिया के उन्होंने क्या कर दी, डिस्टिंग्विशमेंट कर दी, जिसमें उन्होंने दो किंगडम लगाए प्लांट और एनिमेलिया के बेस पे, उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया सारे सिस्टम को, दिस सिस्टम डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स। इन्होंने सिर्फ इतना देख लिया कि प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं, इन्होंने ये हद नहीं की देखने की कि यहाँ पे यूकैरियोटिक नाम की भी कोई चीज़ है, प्रोकैरियोटिक नाम की भी कोई चीज़ है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नाम की भी कोई चीज़ है, फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक की कोई चीज़ है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्लांट वाज इजीली डन, प्लांट और एनिमल को तोड़ दिया और ऐसे क्लासीफाई कर दिया इतने ईजी वे में जैसे हलवा हो, एंड वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और वो बहुत ईजी भी था अंडरस्टैंड करने के लिए, भैया हमें जितनी मैगी मिलती है प्लेट में बस उतनी तो मिर्ची मटाना, मिर्ची नहीं अच्छी लगती। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू देयर कैटेगरी, लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे वो इस कैटेगरी में आई नहीं। उन्होंने क्या किया कि हम कहाँ हैं, नहीं टॉपर्स को डाल दिया, एवरेज को डाल दिया, फेलियर्स को डाल दिया, जो बीच में गर्ल्स है बॉयज है उनको नहीं डाला, गर्ल्स बॉयज को सेम कर दिया ना। लेकिन हमें अलग से भी तो चाहिए कि गर्ल्स क्या है ऐसा करती है जो टॉप हो जाती है, बॉयज क्या ऐसा करते हैं जो टॉप करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो फेल हो जाते हैं वो क्या ऐसा करते हैं जिससे वो फेल हो जाते हैं, वो क्या है, वो कैटेगरीज कहाँ से आएगी,
वो कैटेगरीज कहाँ से आएगी, ठीक है। सेंसर टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, उधर एक लंबे टाइम के लिए यूज तो किया गया लेकिन उसको यूज ही नहीं समझ में आया, जैसे हम आज के टाइम पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ये सब पढ़ते आ रहे हैं, पता भी जरा आज के टाइम पे कि यूज कहाँ करते हैं इसे। किसने बोला था? ले 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 ले। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। बस वैसे ही इसका भी यूज नहीं समझ में आया कि हम इसे यूज कहाँ कर रहे हैं। वैसे ये ग्रोथ मॉर्फोलॉजी आई जिसने बताया अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, हमें नेचर ऑफ सेल वॉल के बारे में बताया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, हैबिटेट मेथड रिप्रोडक्शन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सारी सारी क्वालिटीज थी जो सामने आ रही थी जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि हमने क्या ही कर दिया, हमें क्या नहीं समझ में आ रहा जो हम ऐसे कुछ गलत कर बैठे हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें सिस्टम को सुधार पाए। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, तक की अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस हैव बीन चेंजिंग, ऐसे ही इसके पूरे के पूरे जो किंगडम है और जो पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन है वो चेंज होते गई, नंबर ऑफ अदर किंगडम चेंज होते गए डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। और बाद में एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट आए जो थे आर एच व्हिटेकर, चलो दूसरे से करते हैं, ये गलत है। गलत क्या? रेड मतलब खतरा, खतरा ठीक है, येलो से करते हैं, ग्रीन से करते हैं ठीक है, अच्छा पिंक से करें, चलो पिंक से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, येलो ठीक है। आर एच विटेकर एक साइंटिस्ट थे जो 1969 में प्रपोज किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, द किंगडम जिन्होंने बताया वो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, प्लांटे था, एनिमेलिया था, फंजाई था ठीक है। इसने क्या किया, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, अब ये क्या होता है सर, सेल स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स है कि नहीं, उसके अंदर वो स्टेनिंग होती है कि नहीं, उसके अंदर सेल स्ट्रक्चर है कि नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, रिप्रोडक्शन कैसी है, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप यानी कि एवोल्यूशन उसका कैसे हुआ है वो कैसे पता चलेगा, 2.1 के अंदर बहुत कुछ ऐसा बता रखा है ठीक है। 2.1 को हम तो खोद देंगे पूरा, मतलब अंदर तक डीप में जाएंगे इस चैप्टर के ठीक है। डीप में क्या होता है सर, डीप में कुछ नहीं होता, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको डीप ना, देखो आपको डीप और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डीप मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ो लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए ठीक है। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको डीप में भी आ जाएगा और आपको समझ मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया ठीक है। बिल्कुल जी, थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स, मतलब कि ऐसा एक थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन भी आया था। क्या होता है सर थ्री डोमेन पढ़ते हैं, द थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट द डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाय अ सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन यू विल ऑब्टेन, ठीक है। हुआ क्या, हमने यहाँ ये तो देख लिया कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है लेकिन हमने मोनेरा को दो चीजों में बांट दिया, यूकैरियोटिक अलग में और प्रोकैरियोटिक को अलग में, जिसकी वजह से हमारे पास तीन किंगडम क्लासिफिकेशन आए जिसमें से दो किंगडम दो डोमेन मोनेरा के पास गए और एक जो था यूकैरियोटिक किंगडम का वो थर्ड डोमेन में गया, जिसकी वजह से हमें सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। यू विल लर्न अबाउट द सिस्टम इन हायर क्लासेस, मतलब अभी आप बड़े हो जाओ थोड़े से, सर हम बड़े ही तो हैं, चलो जी ठीक है फिर आ जाओ, अब मैं आपको कराता हूँ बड़े वाली नॉलेज ठीक है। आपको इस चैप्टर में जितना होगा मैं उतना ही कराऊंगा लेकिन आपको आगे की नॉलेज में कोई दिक्कत ना आए इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी देता जाऊंगा, साइंटिफिक रेफरेंस भी देता जाऊंगा। लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसीडरेशन, कुछ नहीं जी ये बता रखा है कि हम आगे के बारे में समझेंगे। इस किंगडम क्लासिफिकेशन में जिसमें मोनेरा की बात चल रही है, मोनेरा के अंदर मोस्टली बैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है, फंजाई आ जाती है ठीक है, मतलब कि ये जितने भी पांच किंगडम है ना इनके अंदर बैक्टीरिया आ जाती है, पांचों के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे, इन पांचों के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, किसे बोलते हैं जल्दी कमेंट करो, साइन बैक्टीरिया को बोलते हैं सर, बिल्कुल ठीक है कमेंट करो ठीक है। फंजाई को बोलते हैं मोसेस, फर्न्स को इसके अंदर आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म आ जाते हैं, ये सब प्लांटे के अंदर आ जाते हैं, बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा के अंदर आ जाते हैं, फंजाई फंजाई के अंदर आ जाता है, मोसेस जो है वो प्लांटे के अंदर आ जाते हैं, फर्न्स प्लांटे के अंदर आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांटे के अंदर आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांटे के अंदर आ जाते हैं। द क्रिएटेड एट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स, इन सब में कॉमन क्या था सर, इन सब में कॉमन एक चीज थी, वो क्या थी, वो थी इनकी सेल वॉल ठीक है, इन सबके सेल वॉल थी जो बहुत कॉमन थी, दिस सबके पास ही सेल वॉल है ठीक है, हमारे पास है कि नहीं जल्दी कमेंट करो। अरे नहीं, अरे नहीं दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप व्हिच वाइडली डिफरेंशिएटेड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स
इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकर कुछ नहीं है यार सर, आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, क्या है, हम तो लाइन बाय लाइन पढ़ते ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है। मुनेरा जो था उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, साइनोबैक्टीरिया डाल दिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, हमारे अंदर सेल वॉल होती है कि नहीं, तो हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती है, हमारे अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वरना हम ऐसे सिकुड़ के रह जाते। सिकुड़ के रहने का मतलब है सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल इतनी ज्यादा, सेल मेम्ब्रेन तो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बट सेल वॉल जो है इतनी ज्यादा रिजिड होती है, हम हिल भी ना पाते, इसलिए प्लांट कभी भी इतना हिल नहीं पाते। वो अलग बात है कि वो लोकोमोशन और फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते, लोकोमोशन द सेंस रूट्स के अंदर जो जड़े तो बनाते हैं ना अपनी, आप जमीन के अंदर देखोगे जड़े तो फैल रही है ना उनकी, तो उस बेस पे वो मोटिवेशन करते होंगे, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, एक्चुअल में ये होता है ये साइनोबैक्टीरिया है, एक्चुअल में होता है ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया असल में साइनोबैक्टीरिया है, तभी ये बैक्टीरिया कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके कुछ जो शेप स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी है एल्गी की तरह दिखते थे, और इसका जो ब्लू ग्रीन स्ट्रक्चर है तो इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, जबकि इसका साइंटिफिक नेम साइनोबैक्टीरिया है विद ऑल ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक, जिसमें बस बाकी सब कुछ छोड़ के, यानी कि बाकी सब यूकैरियोटिक थे, लेकिन ये एक था जो प्रोकैरियोटिक था। उन्होंने ये भी बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यूकैरियोटिक हो सकते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी क्या है, यूकैरियोटिक हो सकते हैं, और इनको एक ही कैरेक्टरिस्टिक में डाल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल क्लैमेडोमोनास एंड स्पायरोकायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी, क्लैमेडोमोनास एंड स्पायरोकायरा को एल्गी के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ये एल्गी आ जाती है प्रोटिस्टा के अंदर, अभी समझेंगे सारा कुछ, टेंशन यानी कोई जरूरत नहीं है, क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझने की जरूरत भी नहीं है, हम समझते ही नहीं बिल्कुल भी, समझने क्या है लाइफ में, कुछ नहीं समझना, आप बस मेरे सुनते जाओ द क्लासिफिकेशन और वीडियो एंड तक देखना, समझ में आ जाएगा सारा का सारा, विश्वास है ना आपको अपने भैया पे, बस फिर द क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक, क्या लिखा हुआ है, सो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन द, कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन जो है वो हेटरोट्रॉपिक ग्रुप जैसे कि फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रुप जैसे कि ग्रीन प्लांट में डिफरेंशिएट नहीं करती, ऑल्दो कि उनकी जो सेल वॉल है वो इतना डिफरेंस है। तो क्या है, फंजाई की जो सेल वॉल है चिटिन से बनी हुई है, सेल वॉल जो प्लांट की सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी हुई है, व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड, जब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर कर दिया गया, तो ये जो फंजाई है एल्गी है इन सबको प्लांट के अंदर भी नहीं रखा गया, इन सबको अलग अलग क्यों रखा गया, क्योंकि इनकी सेल वॉल डिफरेंट है, तो इसको किंगडम फंजाई बना दिया गया, इसे किंगडम फंजाई बोलते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा, सारे के सारे जो प्रोकैरियोट्स थे वो सारे के सारे मोनेरा में रखे गए, जितने भी यूनिसेलुलर, देखो याद रखना यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मोनेरा के अंदर, मोनेरा के अंदर वो छुटको मुटको सारे आ गए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स वगैरह सारे के सारे, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जैसे ही बात आ गई यूकैरियोट्स पे, अब वो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद क्या नाम आ गया उनका, प्रोटिस्टा, ठीक है। क्लैमेडोमोनास, क्लोरेला, इन सबको एल्गी के अंदर रखा गया, एल्गी को प्लांटी के अंदर रखा गया, और उनके पास सेल वॉल भी क्या थी, सेलुलोज की बनी हुई थी, ठीक है, सेल वॉल की बनी हुई थी, यानी कि उनकी जो सेलुलोज से बनी हुई थी ना सेल वॉल, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको यूकैरियोट्स के अंदर रख दिया गया, मतलब प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, इन द एनिमल किंगडम, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें विद पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, और क्योंकि पैरामीशियम और अमीबा को भी एक प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया, जबकि उनके अंदर सेल वॉल नहीं थी, इसलिए उनको एनिमल किंगडम से निकाल दिया गया, क्योंकि पहले उनको लगा कि सेल वॉल नहीं है तो ये एनिमल किंगडम में रख दिए जाते हैं, लेकिन जब इनको पता चला कि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटिस्टा यानी कि यूनिसेल यूकैरियोट्स मैच करती है, तो इन्हें फिर प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। इट हैज पुट टुगेदर द ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, पहले क्या हो गया, कुछ की जगह इधर रख दिया, कुछ की जगह उधर रख दिया, कुछ की जगह इधर उधर सारा कुछ फैला दिया, रायता फैल गया था पूरा का पूरा। लेकिन फिर साइंटिस्ट आए कुछ आर एच विटेकर जैसे, उन्होंने क्या कहा कि भैया थोड़ी देर शांत रहो, थोड़ी देर देखो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, किसकी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, कौन सा मल्टीसेलुलर प्रोटिस्टा है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, सारा उसको देख के, फंजाई की सेल वॉल डिफरेंट है, फंजाई की और सेल वॉल की सेलुलोज की नहीं बनी होती, चिटिन की बनी होती है, और जो प्लांट की होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो फिर तुमने उसे अंदर कैसे रख दिया प्लांट की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी, सब पहले अरेंज करते हैं, तो इन्होंने अरेंज करना शुरू किया, अमीबा पैरामीशियम को निकाल के एनिमल किंगडम से निकाल के प्रोटिस्टा के अंदर रखा, फिर उसके बाद डायटम्स को ठीक किया, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन के बेस पे जो साइनोबैक्टीरिया है उसे मोनेरा के अंदर रखा, फिर उसके बाद एनिमेलिया को एनिमेलिया के अंदर रखा,
फिर सारे के सारे प्लांट्स को प्लांटे के अंदर रखा और ऐसे हमारे जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी सॉल्व हो गई और फाइनली हमारा जो है सिस्टम क्या हुआ, सेटअप हुआ, जिसका नाम था RH Whittaker 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक लाइन और पढ़ ली है? अरे नहीं, चलो नहीं पढ़ते। ये देखो लास्ट में क्या बोला जाता है, दिस चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। आगे जाके भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आएंगी, आगे जाके भी बहुत सारे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आएंगे, आगे जाके भी हमारा टाइम रिफ्लेक्ट करेगा कि हमारे अंदर कितनी चेंजेस आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो ये रिफ्लेक्ट करता है नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक जब भी नाम आ जाए याद रखना एवोल्यूशन, एवोल्यूशन भी तो होगा ना, तो इट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसके बेस पे हमारे चैप्टर ने नाम दे दिया है अपने आप को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई was given by Whittaker and the kingdom Plantae and Animalia will be studied in afterwards। क्या हुआ सर, क्या बोलना, फिर से बोलना। Plantae, Animalia, Monera, Protista, Fungi, इन सबको नाम दिया गया था R.H. Whittaker ने 1969 में। देखते हैं बस 1969 ही है ना, कहीं गलती ना हो जाए। 1969 ही है भैया, ये देख लो 1969 है, ठीक है। और इसके बारे में स्टडी करते करते अगर हमें एक एक चैप्टर में इसको स्टडी कर लिया ना तो हमारा रायता बन जाएगा। इसलिए रायता ना बनते हुए फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, MPF, MPF, MGH, MGH, MPF को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और अगले चैप्टर में हम बढ़ेंगे अपना प्लांट एनिमेलिया की तरफ, जिसकी वीडियो पे बहुत जल्दी आने वाली है। इस वीडियो पे मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए, बहुत सारे, बोले तो 100,000 लाइक्स है। क्या बोल रहे हो सर, चलो 50,000 तो कर दो कम से कम है। कुछ मांगे क्या आज तक? चलो आगे चलते हैं। क्या सर बहुत मुश्किल से पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, आपको दीपक अग्रवाल इतने साधारण तरीके से कराएगा। अभी जो कुछ भी हुआ समझ में आया? अरे नहीं आया ही होगा, बोल दो। हाँ हमारे बीच में बात रहेगी, बोल दो, ठीक है। तो ऐसे हम मस्ती मस्ती में करते रहेंगे। और तो और आपको समझ ना आया तो मेरा नाम मत बदलना, इतना प्यारा नाम है दीपक अग्रवाल, तुम बता देते हो हर बार, ठीक है। चलो किंडम मोनेरा पढ़ते हैं। किंडम मोनेरा कुछ नहीं है सर, ऐसा मोन मैं अपने ट्रिक्स बताता रहूंगा, तो ट्रिक्स में खो मत जाना और अपने चैप्टर पे फोकस रखना, ठीक है। मोन एरा मतलब ऐसा एरा जिसमें सब लोग मोन होते थे। मोन मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कुछ बोलते हैं क्या? कुछ भी नहीं बोलते, और कोई हमें उठाता नहीं सुबह सुबह, कोई कुछ कहता नहीं सुबह सुबह बैक्टीरिया को, है। तो बैक्टीरिया सुबह सुबह मोन रहते हैं, मतलब ऐसा एरा जिसमें बैक्टीरिया मोन रहते थे, मतलब मोन एरा मतलब ऐसा एरा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं सर, बोले तो बैक्टीरिया मतलब मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं सर, मैं देखो सबको लेके चल रहा हूँ एक साथ, तो प्लीज आप ऐसे मत करो कि मैं टॉपर हूँ तो मुझे तो ये सब आता ही है, क्या इतना धीरे धीरे समझा रहे हो, स्किप मत करो यार। देखो ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि आप से मेरे अपने हो, और मैं आप सबको कुछ नहीं भी पता होगा तो मैं वो बताऊंगा ना, तभी तो मैंने कहा आपको कि मैं डीप में पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर, है ना। आपको टाइम ज्यादा नहीं देते हो, एक घंटे के अंदर अंदर इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और जो माइक्रो यानी कि 10^-6 के साइज के होते हैं। अच्छा जी, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कहाँ नहीं होते बैक्टीरिया, आपकी थाली में, आपकी टेबल पे, आपके बेंच पे, आपके चॉक्स पे, आपकी उंगलियों पे, आपके हाथों पे, आपके सिर पे, आपके बालों में, हर जगह 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अपनी मुट्ठी में एक सॉइल ले लो, बहुत ज्यादा मिट्टी ले लो, उसके अंदर 1,000 million trillion बैक्टीरिया होंगे। They also live in extreme habitats such as, अरे कहाँ सर वो रहते कहाँ है वैसे, मुझे ये तो बताओ। उनका घर है हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस में, जहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती वहाँ पे भी वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड मैनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, और दूसरों पे भी रहते हैं, दूसरों पे चिपक चिपक के रहते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स यानी कि जो हमारे बॉडी से खून चूसते हैं उनके फॉर्म में भी रहते हैं। दिख रहा हूँ ना मैं आपको, आई एम ऑडिबल? नहीं। आई एम विजिबल? नहीं। यस सर। बैक्टीरिया ग्रुप नंबर 4 कैटेगरी, अरे सर बैक्टीरिया की साइज कैसे होती है? कुछ नहीं होती, CBSV या फिर VBSC, CBSC है ना, VBSC, CBSV, CBSC याद रखते हैं ना आपको, CBSC से याद रख लो, ई से EV, EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब EV, ई को वी से रिप्लेस कर दो, CBSV मतलब सी फॉर कोकस, बी फॉर बेसिलियस, एस फॉर स्पाइरल, V for Vibrio, full marks. Start करो. ठीक है? तो ये चार टाइप के होते हैं, spiral, focus, मतलब spiral, spherical, मतलब spiral, focus, bacilli, vibrio. सर इसका क्या मतलब है? Focus, C for focus, C for spherical, मतलब थोड़ा बहुत समझ लो, circle नहीं होता,
स्फेरिकल होता है, मतलब कि जब ये फुटबॉल से खेल रहे हो। नहीं सर, हम कहाँ खेलते हैं, बैठे रहते हैं, पबजी खेल रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का, है ना। मजाक कर रहा हूँ, मेरे ट्रिक्स को और मेरे मजाक को सीरियस मत लेना, इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। लगा दूं क्या शुरू में एक डिस्क्लेमर? चलो ठीक है, शुरू में एक डिस्क्लेमर लगा दिया करूंगा कि भाई देखो मेरी बातों को सीरियस नहीं लेना, मैं मजाक में स्टडी के लिए जाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते ठीक है, चलो गला भी बैठ जाता आपकी वजह से है सच्ची। नहीं मजाक करो। कोकस मतलब स्फेरिकल इन शेप, जैसे फुटबॉल खेलते हो ना आप, फुटबॉल जो होती है स्फेरिकल शेप, बस वैसे ही कोकस होता है, जो मोस्टली आपने देखे होंगे डिटोल की एड में या फिर लाइफ बॉय की एड में देखे होंगे, नो हार्म टू एनीथिंग। ठीक है, रोड शेप बैसिलियस, बैसिलियस क्या होता है, बैसिलस मतलब रोड शेप, सरिया, सरिया जैसा होता है ना, जैसे चम्मच होता है हमारा, बस वैसे रोड शेप होते हैं, जिसे हम बैसिली भी बोलते हैं। द कोमा शेप, विब्रियो मतलब कोमा शेप, आपने कभी देखा होगा ना विब्रियो, मतलब कभी आपने जोडियक साइंस देखे होंगे तो विब्रियो मतलब जो ये कोमा शेप होते हैं विब्रियो। ठीक है, ये कोमा शेप होते हैं। और तो और अगर हम बात करें स्पाइरल की, अरे सर इन्हें कौन नहीं जानता, स्पाइरल शेप के होते हैं ये, देखो ऐसे स्पाइरल शेप के होते हैं। ठीक है, चलो जी, स्पेशली आपके लिए एनसीईआरटी खोली हुई है मैंने सच्ची, अरे नहीं गूगल में मिल जाती है पीडीएफ। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इनका जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है। अरे कुछ नहीं सर, लाइन बाय लाइन बना दो हमें, आप वैसे हेडिंग बता दिया करो, हमें अपने आप कर लेंगे। ठीक है ठीक है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल होता है, हाँ जी सर, कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर सिंपल होता है, मतलब अगर हम बाहर से स्टडी करें, बैसिलियस, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, ये सब स्टडी करने बहुत ईजी है। बैक्टीरिया का अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो उसमें वो हमको क्या मिल जाते हैं, प्लाज्मिड मिल जाते हैं, हमको उनमें स्पाइक्स मिल जाते हैं, फ्लैजेला मिल जाती है, साइबोल मिल जाती है, पेरिप्लाज्मिक फेस मिल जाती है, लेकिन उनका बिहेवियर क्या है, कुछ बिहेवियर इतना ज्यादा गलत है, मतलब कुछ तो अपने स्पाइक से हमारी बॉडी में चिपक जाते हैं, कुछ होते हैं जो मूव करते रहते हैं, कुछ है जो वायरुलेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन वायरुलेंट होते हैं, कुछ होते हैं जिनके अंदर रफ सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर स्मूथ सेल वॉल होती है, कुछ स्टेन कर पाते हैं अपने आप को, कुछ नहीं कर पाते, कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। सर अब शांत हो जाओ, अब आप क्या बोलना चाहते हो? अरे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ भाई कि जैसे हमारे अंदर, हमारे पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट टाइप लोग पाए जाते हैं ना, बस वैसे बैक्टीरिया के अंदर काफी अलग बिहेवियर पाया जाता है, मतलब वो किस बिहेवियर में कहाँ रह सकते हैं, कुछ वो ठंडे इलाकों में रहते हैं, कुछ वो गर्म इलाकों में रहते हैं, तो उनका बिहेवियर हर जगह अलग अलग होता है और चेंज करते रहते हैं वो अपने आप को, जिसकी वजह से उनके अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आती रहती है, मतलब कुछ के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, कुछ के अंदर बहुत कम होता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सिंथेसाइज करते हैं अपना खुद फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। अब फोटोसिंथेटिक का अगर हम बोलें, फोटोसिंथेटिक यानी जो धूप से अपना खाना बनाते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो खुद का खाना बनाते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब जो ट्रॉफिज्म शो करते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक मतलब कि जो धूप से अपना खाना बनाए या फिर जो खुद अपना खाना बना सकें, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब आप लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं हो, पता चले अपना खाना किचन में बना रहे हो, पास्ते बना रहे हो, नहीं, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाए। आप तो दूसरों से खाना ले रहे हो, फ्रोजन ले रहे हो या फिर मार्केट से खाना ले रहे हो, तब जाके बना रहे हो, वो तो अपना खाना ही खुद बनाते हैं। आप धूप में खड़े हो, आप अपना खाना अंदर बॉडी में खुद बना सकते हो कि खाना अपने आप बॉडी में बन रहा है, बस नहीं बना सकते हैं ना, बना सकते हो क्या? चलो कमेंट करो जो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नहीं बना सकते ना उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक, मतलब हम दूसरों पे यानी कि हम प्लांट्स पे रिस्पॉन्सिबल है अपने खाने के लिए, इसलिए। बट कुछ बैक्टीरिया जो धूप से अपना खाना बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, और कुछ जो है केमिकल्स है जिनके अंदर इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कार्बन दे दूं, मैं आपको हाइड्रोजन दे दूं, मैं आपको ऑक्सीजन दे दूं, अब आप अपना खाना बना लो, क्या बना दोगे आप? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, बस वैसे ही वो केमिकल से अपना खाना खुद बना लेते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ, जो वास्ट मेजोरिटी होती है बैक्टीरिया की वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। ना भैया, अपना खाना कोई नहीं बनाना चाहता आज के टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं। तो बैक्टीरिया कहते हैं कि भाई हम नहीं खाना बनाएंगे, हमें खुद खाना दे दो, परोस के हम खा लेंगे अपने आप, बस वैसे ही ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो वास्ट मेजोरिटी मतलब बहुत हद में बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि वो अपना खाना दूसरों से प्राप्त करते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड, मतलब कोई मर गया, अब उसको डेड बैक्टीरिया जो है, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसके डेड डिकिंग मैटर को खाएंगे और इसे डिकम्पोज करेंगे, उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर, और जो जिसे खा रहे हैं उसे बोलते हैं मैटर, ठीक है, मतलब डेड कंटेंट स्पेस एंड मास। आरके बैक्टीरिया की बात कर लें, हाँ जी सर चलो कर लेते हैं, छोटे से है समझा दूंगा अच्छे से। ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम
कंडीशंस भी रहने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सोल्टी, हेलोफाइल, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल, ठीक है, कुछ नहीं। एक्सट्रीम सोल्टी एरिया, सोल्टी को क्या बोलते हैं, हेलो, हेलो मतलब सोल्ट लवर्स यानी कि हेलोफाइल, हॉट, हॉट मतलब थर्मो, थर्मो एसिड्स मतलब थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरिया, एम फॉर मार्शी, एम फॉर मिथेनोजन, मिथेनोजन मतलब चिपके चिपके, जो गोबर्स में होते हैं ना, गोबर होते हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं, काउ डंग्स के अंदर जो गाय का गोबर होता है उसके अंदर मिथेनोजन्स पाए जाते हैं हाई क्वांटिटी में, उसी वजह से उसके अंदर ना वो हम कंपोस्ट ना के उसकी खाद को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम बायोगैस प्लांट्स में से यूज़ कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं, मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, जस्ट एज एक्सट्रीम सोल्टी एरिया, सोल्टी बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा मार्शी, बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपा, बहुत ज़्यादा। आर के बैक्टीरिया जो है उनमें क्या ऐसा है जो दूसरों से उनको डिफर करता है, वो है इनकी सेल वॉल, ठीक है, वो है इनकी डिफरेंट सेल वॉल, उनकी सेल वॉल ऐसी है कि वो उनको अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखती है, और तो उनको हर जगह कंडीशन देती है कि वो कैसे सर्वाइव कर सके। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, उनका यही फीचर उनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखता है। जो मिथेजन, मिथेनोजन जमीन, अभी क्या बताया आपको सर, आपने हमें बताया है कि वो गाय के गोबर में रहते हैं, तो क्या गाय के गोबर में कहाँ से आते हैं, वो आते हैं उनके इंटेस्टाइन से, बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है, बच्चे किसके हैं सर, अरे सब अपने भाई भी हैं, सब अपने भाई, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, सब अपने, ठीक है, उनके इंटेस्टाइन में रहते हैं। गट क्या होता है सर, गट होता है भैया इंटेस्टाइन, ठीक है, गट होता है इंटेस्टाइन, वो गले नहीं होते गट, कुछ लोग तो गला मानते हैं, गला नहीं, इंटेस्टाइन, आई फॉर इंटेस्टाइन, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, इंटेस्टाइन होता है गट, ठीक है। और सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काउ को देख लो, बफेलो को देख लो, उनके गांव में इतना न्यूट्रिशन, उनके गांव कह रहा, उनके गोबर में इतना न्यूट्रिशन होता है, गौ के गोबर में या फिर बफेलो के गोबर में, भैंस के गोबर में या फिर काउ के गोबर में इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है कि वो अपने एनर्जी जनरेशन के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, रोगों को यानी कि डिसीजेज को दूर करने के लिए, और तो और काफ़ी हद तक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, यानी कि एनवायरमेंट नेचर को बायोडिग्रेडेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है, और वो प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस फ्रॉम डंग ऑफ द एनिमल्स यानी कि गोबर से मिथेन गैस बनाने में हेल्प करते हैं, जिसे हम CNG भी बोलते हैं, ठीक है, रिपीट करो मेरे साथ साथ। जो बैक्टीरिया की बात करें, अब हमने इसे क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा हार्श कंडीशन पाए जाते हैं, एक्सट्रीम सोल्टी एरिया हेलोफाइल, एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल, मार्शी एरिया मिथेनोजन। आर्किया बैक्टीरिया की सेल बहुत डिफरेंट होती है, फीचर्स जो होते हैं उनके वो एक्सट्रीम कंडीशन में रहने में उनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं। मिथेनोजन क्या होते हैं, गाय के गोबर जो इंटेस्टाइन में, गाय का गोबर जो होता है वो उसके इंटेस्टाइन की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एडवांटेजेस होता है, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उनको खाना अच्छे से ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, और तो और प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस, उनके खाने में मिथेन गैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और वो मिथेन गैस उनके गाय के गोबर में होती है और उस गोबर से मिथेन गैस बनती है, ठीक है, याद रखना गाय के गोबर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है, खाने में नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन में। कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है, देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे अब यू बैक्टीरिया की बात करें, यू बैक्टीरिया क्या होता है सर, यू से नाम क्या आ रहा है, ट्रू मतलब ट्रू बैक्टीरिया यानी कि सच्चे बैक्टीरिया, असली मायनों के बैक्टीरिया, मतलब ट्रू में थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। सर होता क्या है, इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास रिजिड सेल वॉल हो या फिर जो मोटाई हो, मोटाई मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलता फिरूं मैं, इधर चलूं मैं, उधर चलूं, जाने कहां मैं किधर चलूं, अरे फिसल गए हैं, ठीक है, वो वाला कि एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है यानी कि मूव करता रहता है ऐसे छैं 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 ऐसे, ठीक है। इफ मोटाई अ फ्लैजेलम द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। सर इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि ये मॉर्फोलॉजी के बेस पे, मॉर्फोलॉजी और इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे ये काफ़ी हद तक एल्गी से मैच करते हैं। देखो भाई मेरा पेन नहीं है, मैं अपने माउस से लिखता हूँ, इसलिए बुरा मत मानना, ऐसा करो आप मुझे पेन कुरियर कर दो, मस्त प्लान है, जस्ट जोकिंग, ठीक है, कर भी देते हैं, ठीक है। एल्गी में पाए जाते हैं, अरे सॉरी, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एल्गी से मैच करती है, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर होती है, जिसकी वजह से हम इन्हें साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दे देते हैं। ये मतलब मॉर्फोलॉजी, ये होते हैं एनाटॉमी,
ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ती है। Has क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी। तो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब कि ऐसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो कि धूप से अपना खाना बनाए, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया जो है यानी कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनके पास एक सेल होता है। कॉलोनीज मतलब कॉलोनी बना लेते हैं, यानी कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस फिलामेंटियस होते हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं। मुझे पता है याद करना मुश्किल है, याद करने को क्या ही कौन रहा है, आप बस मुझे सुनते रहो ना, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ऐसे मतलब यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटियस, एक एक से पहले दो, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं वो कॉलोनीज बनाते हैं। कॉलोनीज बनाने के लिए उनको फिलामेंट्स चाहिए, फिलामेंट्स यानी कि उनको मूव करने के लिए फिलामेंट्स चाहिए, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं उनके, तो वो अपने आप के पार्ट्स बना लेते हैं। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल पाए जाते हैं यानी कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। कुछ ऐसी कॉलोनीज जिनके अंदर जिलाटेनियस शीट होती है, जिसे हम म्यूसलेजेनियस शीट भी बोलते हैं, म्यूकस होता है उनके पास। उनके पास ब्लूम्स मतलब यानी कि वो जो पॉल्यूटेड, गांव के जो लोग होंगे वो बहुत रिलेट कर पाएंगे, कि जो उनकी गांव की वो होती है ना नदियां होती हैं, वो उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन सी वो लगी होती है ना, काई लगी होती है, या फिर ग्रीन ग्रीन सी एल्गी लगी होती है, उसे हम बोलते हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ब्लू मतलब एक चद्दर बना लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मैं फोटो लगाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है। चद्दर बना लेते हैं और चद्दर बना के उसे कवर कर लेते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज को, उसे हम बोलते हैं ये एल्गी, ठीक है। सब ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, इनके पास एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को अब्जॉर्ब करने की, यानी कि ये फिक्स करने की कैपेसिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है सर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब जब प्लांट्स को ना नाइट्रोजन चाहिए होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि भैया हमें ना गैस की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें ना नाइट्रोजन कंपाउंड्स की फॉर्म में चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर ऐसा करते हैं कि बैक्टीरिया है वो कहते हैं कि भाई हमें तो घर चाहिए, और प्लांट कहते हैं कि भाई मुझे तो नाइट्रोजन चाहिए। बैक्टीरिया कहता है मैं नाइट्रोजन फिक्स कर सकता हूँ, प्लांट कहते हैं हम घर दे सकते हैं, वो कहते चल ठीक है फिर दोस्ती कर लेते हैं आजा, ठीक है दोस्ती कर लेते हैं। और क्या करते हैं, प्लांट्स जो है बैक्टीरिया को खाना देते हैं, फूड देते हैं, फ्रूट कह रहा शेल्टर देते हैं, और ऑक्सीजन देते हैं बढ़ने के लिए आगे, लेकिन वो वैसे ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम आपके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, तो वो नाइट्रोजन को ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या फिर वो उसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सब में क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, और उससे क्या बन जाते हैं, उससे मतलब प्लांट्स ईजी हो जाता है उसे एब्जॉर्ब करना, वरना वो टॉक्सिक और पॉइजनस होने की वजह से प्लांट्स को किल कर सकते हैं। और ये काम कौन करता है इनके लिए, ये काम इनके लिए करता है हेटरोसिस्ट। इनके अंदर ये देखो, इनके अंदर अरे जल्दी बोल, इनके अंदर एक हेट्रोसिस्ट होता है, मतलब कि इनके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट होता है हेट्रोसिस्ट, स्पेशलाइज सेल्स जो कि इनके लिए काम करते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें, हेट्रोसिस्ट का एग्जांपल नहीं है, प्लांट्स यानी कि बैक्टीरिया का एग्जांपल है। बैक्टीरिया, हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ना, तो ये बैक्टीरिया का एग्जांपल है। नोस्टॉक और एनावेना ये ऐसे बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का अगर नाम ले तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एटीपी प्रोडक्शन के लिए ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर को फिक्स करते हैं, जिससे कि वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन दे सकें। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, वो अलग अलग सोर्सेज में पाए जाते हैं, जिससे कि वो हमारी बॉडी से खाना लेते हैं, पैरासाइट्स के फॉर्म में खाना लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या होते हैं, ये मोस्टली ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, डिकम्पोजर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, फ्रॉम मिल्क दूध को दही बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को लेज्यूम्स यानी कि राइजोबियम यानी कि लेजुमिनियस रूट्स में, वो लेजुमिनियस रूट्स यानी कि देखे हैं ना जिनके रूट्स फुली हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती हैं, उनको फिक्स करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं, राइजोबियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। पैथोजन जो डिसीज कॉज करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को, ये सब भी उनके एग्जांपल है बैक्टीरिया के, जो बैड भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम बोले कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, आर वेल नोन डिसीज जो कि बैक्टीरिया के फॉर्म में हेटरोट्रॉफिक होते हैं। आइए देखो आपको ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, डिवाइडिंग बैक्टीरिया ऐसे डिवाइड करता है जो बीच में से अपने आप को कट करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ म्यूसिस। बैक्टीरिया जो है
फ्यूजन करते हैं, बाइनरी फ्यूजन जिसमें बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन भी कर सकते हैं आई थिंक ऐसा होमीबा, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो स्पोर्ट्स बना देते हैं। सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप, ठीक है तो मैं बोल रहा हूँ सिंपल सिंपल कि देखो भैया ऐसा है, अगर कंडीशन फेवरेबल हुई वो क्या बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है बीच में से कट हो जा, तो मैं अलग हो जाता हूँ आप अलग हो जाओ, तो क्या हो जाएगा वो बीच में से कट हो जाएगा और अलग अलग हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन सर्वाइवेबल नहीं होती, मतलब कि वो कहता है कि भाई देखो अगर हम अलग हो गए ना, बाहर पड़ रही है बहुत गर्मी, बाहर पड़ रही है बहुत सर्दी, मैं ना सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, साथ ही साथ आप भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि ठीक है भाई हमारी एक बहुत अलग अलग कॉपीज बना लेते हैं। तो क्या करते हैं वो ना अपने आप की ना सिस्ट बना लेते हैं, जिसे हम एंसिस्टेशन बोलते हैं, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें वो एक आउटर लेयर बना लेते हैं, एक बाहर की लेयर बना लेते हैं, मतलब कि जब गर्मी पड़ती है तो हम घर के अंदर रहते हैं, एसी चला लेते हैं, बस जैसे ही वो बाहर की एक लेयर बना लेते हैं। सर ड्रॉ करके बताओ ना, ये देखो ये एक सेल है, ये सेल के बाहर एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिस्ट, ठीक है सिस्ट बोलते हैं इन्हें हम, और इसके प्रोसेस क्या बोलते हैं फॉर्मेशन को, एंसेस्टेशन, ठीक है एंसेस्टेशन लिखा नहीं जाता ना माउस से, ठीक है एंसेस्टेशन बोलते हैं। और इसके बेस पे क्या करते हैं वो अपने अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। देखो ऐसा है भाई, ये है इसे बीच में से ब्रेक होना है और ब्रेक होकर मल्टीप्लाई होना है, इसे अच्छा है कि भाई पहले हम मल्टीप्लाई होता है फिर ब्रेक हो जाते हैं। तो क्या करता है ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करता है, कैसे करता है सर, ये देखो ये ऐसे 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 मल्टीप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन सर्वाइव हो जाती है ना, तो क्या करता है ये अपने आप को बीच में से तोड़ लेता है, ये क्या करता है अपने आप को बीच में से तोड़ लेता है, ऐसे यहाँ से तोड़ लेगा अपने आप को और यहाँ से सारे के सारे बाहर निकल देंगे, ठीक है यहाँ से सारे के सारे बाहर निकल देंगे, ठीक है ये सारे एस्केप हो जाएंगे बाहर ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है यहाँ पे कि ये अपने आप को मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू भी क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम समझते हैं आगे क्या होता है। तो आगे बेसिकली होता ये है कि हम कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं कि कुछ प्राइमेटिव होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्राइमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। होता क्या है सर, होता क्या है हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं एज अ होस्ट यूज करते हैं, मतलब कि एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया को हम एज अ होस्ट यूज करेंगे, इसके अंदर का जो डीएनए है, ठीक है हर एक बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होगा, इसके डीएनए को हम निकाल लेंगे और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा इसका बैक्टीरिया और इसका बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, इसका बैक्टीरिया और इसका बैक्टीरिया इंटरलिंक्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आने वाली थी वो इसके अंदर भी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, जिसकी वजह से हम इसे बाकी के टेक्नोलॉजीज में यानी कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग, पैटर्निटी टेस्ट, मैटर्निटी टेस्ट और ना जाने कितनी सीक्वेंसिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो सेक्सुअली अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, और इसका एग्जांपल भी हम इसका एग्जांपल नहीं है वैसे, ये ऐसा है ऑर्गेनिज्म जो जोकर माना जाता है, जोकर होता है प्लांट किंगडम, इसे हम जोकर कहते हैं प्लांट किंगडम का, और ये माइकोप्लाज्मा है जिसके अंदर सेल वॉल जो है नहीं होती है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो अब तक पाया गया है विदाउट ऑक्सीजन, और ये जो माइकोप्लाज्मा है ये किसी भी अवेलेबल कंडीशन में रह सकता है, किसी भी अवेलेबल कंडीशन में रह सकता है, यू नेवर नो किसी भी कंडीशन में रह सकता है। आई रिपीट मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इससे नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इसे बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। अब इसे प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं सर, देखो सच कहूँ ये तो इसे जोकर ही बोलते हैं बस फिलहाल, तो प्लांट किंगडम नहीं बोलते शायद इसे, पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि यू बैक्टीरिया की फॉर्म, ये यू बैक्टीरिया है ना एक, आप इसे बस इतना समझो कि जोकर ऑफ द किंगडम होता है, जोकर ऑफ द किंगडम मुनीरा, ठीक है जोकर ऑफ द किंगडम मुनीरा समझो आप इसे। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है सर, अच्छा ठीक है प्रोटिस्टा, प्रो मतलब ऐसे प्रो गेमर्स, ऐसे प्रो बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और यूकेरियोट्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बैक्टीरिया ही हो, बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर भी होते हैं और वो यूकेरियोट भी होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब चट भी मेरी और पट भी मेरी, यूनिसेलुलर भी होते हैं
और यूकैरियोट भी होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट भी होते हैं। अगर मेरी हैंडराइटिंग पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। सिंगल सेल यूकैरियोट जो है वो प्रोटिस्टा की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो सिंगल सेल्ड हो और यूकैरियोट्स हो इन्हें हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। इनकी बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट होता है, उसे हम प्रोटिस्टा की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा को हमने एक बार टेस्ट करने की कोशिश की कि व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा टू वन बायोलॉजिस्ट, मे बी अ प्लांट टू अनदर। क्या हो अगर एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो वो दूसरे के लिए प्लांट हो, क्या होगा? तो इन दिस बुक हमने ये पाया है कि जो क्राइजोफाइट्स होते हैं, आपसे समझो क्राइजोफाइट्स, अभी हम पढ़ेंगे इन्हें मैं अच्छे से। क्राइजोफाइट्स ये देखो सी डी ई एस पी, ठीक है, ए बी सी डी ई तो पढ़ी होगी, सी डी ई एस पी, ठीक है। क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेना, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटिस्टा, ये सब के सब प्रोटिस्टा के मेंबर, ये प्रोटोजोआ, ये सब प्रोटिस्टा के मेंबर हैं जो मेजरली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। प्राइमरीली मतलब जितने भी प्रोटिस्टा हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं। जो किंगडम है वो एक लिंक फॉर्म करता है विद अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल एंड फंजाई। जो प्रोटिस्टा है वो एक लिंक फॉर्म करता है विद प्लांट एनिमेलिया एंड फंजाई। तो याद रखना, याद रखना बात को, जो प्रोटिस्टा है इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एनिमेलिया एंड फंजाई, ठीक है। पर यार मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने आपको टेबल दिखा देना चाहिए था। ये देखो टेबल में क्या है, सेल टाइप मुनिरा में कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटे में यूकैरियोटिक, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। मतलब मोनेरा के अंदर ही है, जो मतलब बिल्कुल ही अलग कहानी चल रही है। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे तो भाई भाई हैं, सारे भाई बहन हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है इनको। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल टाइप अलग होता है, सेल वॉल अलग होता है। सेल टाइप की अगर हम बात करें, या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा या वो यूकैरियोटिक होगा, या वो यूनिसेलुलर होगा या वो मल्टीसेलुलर होगा। लेकिन अगर हम बात करें ये सेल वॉल की, तो सेल वॉल किससे बनी होती है उनकी, तो सेल वॉल इसकी बनी होती है नॉन सेलुलोज से, मतलब कि पॉलीसेक्राइड्स एंड अमीनो एसिड से, ठीक है। पॉलीसेक्राइड, चलो मैं लिखता नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा मैशअप हो रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रोटिस्टा की किससे बनी होती है, सम की बनी होती है, सम की नहीं बनी होती, मतलब कुछ के पास होती है सेल वॉल, कुछ के पास नहीं होती, ठीक है। फंजाई की किससे बनी होती है, चिटिन से बनी होती है। प्लांटे की सेलुलोज से, एनिमेलिया की होती ही नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, मोनेरा में एब्सेंट होती है, क्योंकि इनके पास तो न्यूक्लियस नहीं होते, प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट होती है। फंजाई की बात करें प्रेजेंट होती है इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस होते हैं। यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस भी तो होगा, प्लांटे है तो प्रेजेंट होगा, एनिमेलिया तो प्लांटे के पास भी, एनिमेलिया के पास भी प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, सेलुलर होती है, टिश्यू होती है, ऑर्गन होती है, ऑर्गन सिस्टम होती है, ऑर्गेनिज्म होती है। तो अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मोनेरा के पास सेलुलर होती है, यानी कि सेल से बनी होती है, प्रोटिस्टा भी सेल से बनी होती है, ठीक है। मोनेरा प्रोटिस्टा की कुछ कुछ सिमिलर कैटेगरीज होती है। फंजाई मल्टी सेलुलर होती है, जिसके पास लूज टिश्यू होता है, ठीक है। फंगस जो होती है लूज होती है ना, चिपचिपाहट वाली, वो प्लांट के अंदर टिश्यू होता है या फिर ऑर्गन होता है। हमें पता है ना, प्लांट टिश्यू या प्लांट के ऑर्गन भी होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनोलॉजी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसे भी। फ्लावर्स होते हैं, रूट, शूट, स्टेम, ये सब होते हैं ना, ये ऑर्गन्स होते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब होते हैं प्लांट के टिश्यू, तो इसे हम बोलते हैं टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एनिमेलिया के अंदर तो सभी होते हैं, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, मतलब टिश्यू होते हैं ये एनिमल्स के अंदर, एनिमल टिश्यू, सीरिएटेड एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू, कार्डिक टिश्यू, ठीक है। ऑर्गन भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं प्लांट एनिमेलिया के अंदर। मॉडर्न न्यूट्रिशन क्या होते हैं, मोनेरा होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो कि ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फंजाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जो सैप्रोफाइट होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। पैरासिटिक होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी हमारे स्किन पर भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो हमसे न्यूट्रिशन ले सकें, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक की अगर हम बात करें, प्लांटे जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब होलोजाई क्या होते हैं, ये ज़्यादातर किसी को नहीं समझ में आता होलोजाई का मतलब, बहुत सिंपल है, सीधा एंगल्फ करते हैं खाने को, मतलब आपने सीधा मुँह में डाला और चबा लिया और निकल लिया, बस सीधा निकलते हैं खाने को, कुछ नहीं, कुछ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं, सीधा खाओ और निकलो बस, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्राइजोफाइट्स की बात करेंगे, कुछ नहीं होता इनके अंदर,
जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। कुछ पॉइंट हाईलाइट कर दो साइड में ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और फ्लैजेला होती है, सीलिया होती है। फ्लैजेला और सीलिया क्या होती है सर? फ्लैजेला होती है टेल लाइक स्ट्रक्चर जो उनको मूवमेंट में हेल्प करती है, और सीलिया होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो उनके मूवमेंट में और उनके डस्ट पार्टिकल्स को या फिर अनवांटेड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में मदद करती है। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जायगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन भी हो सकती है, जायगोट फॉर्मेशन भी हो सकती है। कैसे हो सकती है सर? आगे पढ़ते हैं। क्राइजोफाइट्स, इन्हें हम डायटम भी बोलते हैं। देखो मैं आपको छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ, बस ज़्यादा पॉइंट अंडरलाइन नहीं कर रहा, जो मेन मेन है वही अंडरलाइन कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, गोली मारो पैसे जिसको, सीधा आप रटो नहीं, आप बस हाइलाइटर लो और छोटे छोटे पॉइंट्स है या तो उसे साइड में लिख लो। यार इतनी सारी जगह है, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ लिख लो, इतनी सारी जगह है, आप भी अपनी ये स्पेस का यूज़ क्यों नहीं करते? ठीक है, इसको यूज करो, अपने हाईलाइटर को यूज करो। सारा हाईलाइट यूज करना ये अलाउड नहीं है स्कूल में, मत करो। पेंसिल लो, पेंसिल से लिख दो यहाँ पे, ये देखो एक ये पॉइंट है ये लिख दो, ये पॉइंट है ये लिख दो, इसे फर्स्ट पॉइंट नाम दे दो, इसे सेकंड पॉइंट नाम दे दो, इसे थर्ड पॉइंट नाम दे दो। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये चार कीमोसिंथेटिक होते हैं, इतना तो कर ही सकते हो। बस फिर ऐसे कर दो ना, मेरी एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास, अभी मैंने दे दी किसी को, वरना मैं आपको जरूर दिखाता। मेरे जैसे दीदी हैं एक, उनको दे दी मैंने, वरना आपको मैं जरूर दिखाता वो मैंने कैसे अंडरलाइन किया हुआ है। एक पेज ऐसा नहीं था जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ था, एक पेज ऐसा नहीं था जिसको मैंने साइड में लिखा नहीं हुआ था। मानता हूँ आप सबको पता भी होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है वो ऐसा कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायटम्स की अगर हम बात करें, जो आ रहे हैं हम नई क्लासेज में उनको भी नहीं पता होगा, तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो ठीक है कर लो ऐसा। ठीक है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं ये थोड़ा लेंथी भी चैप्टर है ना, तो अगर हम छोटे छोटे पार्ट में कवर कर लेते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर ठीक है, मेरे को अभी पक्का नहीं पता, ऐसा करते हैं ज्यादा लंबा नहीं करते इस चैप्टर को। मैं आपको एंड स्क्रीन में ना एक वो दे दूंगा, एंड स्क्रीन में आपको दे दूंगा कि मैं यहाँ तक करा देता हूँ आपको किंगडम प्रतिष्ठा तक, फिर उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा किंगडम फंजाई से। ठीक है, ऐसा क्या होगा ना, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और देखने का कोई मतलब नहीं है। दो दो घंटे बैठ के कोई नहीं देखता, मुझे पता है, मैंने भी नहीं देखा कभी। ठीक है, तो मैं इसको एक घंटे की वीडियो बना देता हूँ ताकि आपके बस की भी बात रहे कि आप इसे पढ़ पाओ, जब मर्जी हो देख लेना, वॉच लेटर में डाल देना, लाइक करके लाइक वीडियो में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्ले लिस्ट बना देता हूँ एक इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्ले लिस्ट बना दूंगा इसकी मैं, और आपको ये एंड स्क्रीन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और तो और इसके आई बटन में भी लिंक होगा। तो आई बटन में क्या होता है ना, मोस्टली आई बटन में ना वीडियो के बीच बीच में जाके देखना पड़ता है कौन बार बार बीच में जाए, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होएगा या फिर एंड स्क्रीन पे होएगा, मैं दे दूंगा लिंक। ठीक है, वरना आप बस देख लेना इसे। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ईजीनेस से कराऊंगा, फिक्र मत करो, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है। मुझे चाहिए कि अगर आप इस व्यूज चैनल पर आए हो ना, आपको हर चीज़ मिले, वो जो आप आगे नहीं देख सकते या किसी और चैनल पर आपको मिली नहीं। ठीक है, इसे हम प्रोटेस्ट तक कवर करेंगे। रिलैक्स होना, पानी पीना, वॉशरूम जाना, बाहर वॉक करना, नेचर में वॉक करना, अरे थोड़ा निकला करो। मैं देखता हूँ ज़्यादातर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को एक ही कमरे में पढ़े रहते हैं, भाई तुम पढ़ के क्या कर लोगे? फॉर एग्जाम्पल आपको यूपीएससी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, जेई क्लियर करना है, आई डोंट केयर, मेरे को क्लियर है आपकी हेल्थ की। भाई जब आप एक ही कमरे के अंदर बैठ बैठ के मानना है कि आपको टॉप करना है, मानना है कि आपको 720 लेके आने हैं, भाई तुम अगर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? एक साल बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल अनहेल्दी हो चुकी है, फिर क्या करोगे हेल्थ का? पेट पकड़ के इधर उधर जाओगे? पता है मतलब आपकी हेल्थ आपका सबसे बड़ा मोटो होना चाहिए। अरे एक ही रूम में बैठ के पढ़ते रहते हैं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। 8 घंटे पढ़ने, अरे भाई कम से कम 24 घंटे है, 8 घंटे अपने सोने के लिए निकालो, 8 घंटे अपने पढ़ने के लिए निकालो, और 16 घंटे पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े करो, पर अगर एटलीस्ट आप बीच बीच में वॉक तो करने जाया करो। फिर वॉक ही नहीं करने जाते, अधोगी है मतलब, वॉक नहीं कर लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना? वॉक करने जाया करो, बाहर वॉक किया करो, अपने गार्डन में या फिर पार्क में वॉक किया करो, अपने अपने रोड पर वॉक किया करो, अपनी सड़कों पर वॉक किया करो, अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा बैठा करो। यार बहुत मज़ा आता है इस सबसे, आप लोग भी अपनी पढ़ाई को ना बोझ लेके चलते हो।
क्या कर लोगे नीट क्लियर करके, एमबीबीएस कर लोगे, एमबीबीएस के बाद क्या हो जाएगा, पेमेंट्स आ जाएगी, पेमेंट के बाद क्या आ जाएगा, मनी, मनी के बाद कुछ नहीं, बुजुर्ग बूढ़े हो जाएंगे हम तो, ठीक है। यही सब करते रहना अपनी लाइफ में, हॉबीज को मतलब टाइम मत देना, स्किल्स को टाइम मत देना, अपनी किसी भी स्किल को सीखने में टाइम मत देना, बस चल रहे हैं कॉम्पिटिशन में, उसने 720 लाए तो मैं 721 लेके आऊंगा, मतलब कुछ भी, मतलब हद है यार। आप इसे मोटिवेशन की तरह समझो तो मोटिवेशन, वरना मेरी बात को तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ, आपको समझना चाहिए कि लाइफ में क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। नीट करोगे आप, करोगे ये सामने जो शख्स है ना पक्का नीट क्लियर करेगा, मुझे पक्का पता है, मैंने नहीं किया आप जरूर करोगे, लेकिन एक बात कह दूं आपको, अगर आपने अपनी हेल्थ खराब की ना उसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, फिर चक्कर काटते रहना अपने एमबीबीएस डॉक्टर्स के, वरना खुद दवाइयां खाते रहना अपने हॉस्पिटल में, ठीक है। अपने आप को भी टाइम देना सीखो, हॉबीज को टाइम देना सीखो, सोना टाइम देना सीखो, अगर आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी है कि आपको काम करना है ठीक है मत सो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पानी पी सकते हो पानी पिया करो, वॉक किया करो, वॉशरूम तो जाया करो, वॉशरूम जाने से हमारे ना टॉक्सिकेटेड वेस्ट निकलता है और हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। मैं बायोलॉजी के हर चैप्टर को कवर एक साथ नहीं कर सकता, मैं बीच बीच में कराऊंगा, पार्ट्स पार्ट्स में कराऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल। मैं देखो चाहूँ मैं आपको तीन तीन घंटे चार चार घंटे एक ही चैप्टर में बिठा के रख सकता हूँ, आई डोंट केयर, मेरे तो व्यूज बन रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे को आपकी हेल्थ की चिंता है भाई। दो घंटे आंखों के फोन गड़ाए रखना किसकी अच्छी बात है, किसकी अच्छी बात है। आप इस वीडियो को देखोगे, अगली वीडियो को देखोगे, कम से कम बीच में ब्रेक तो दोगे, ब्रेक दो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, हल्की सी वॉक ले लो, उससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, चिल होती है, उसके बाद आपको फिर से पढ़ने बैठ जाओ, और रोक रहा है, मैं नहीं रोकता आपको। वीडियो देखो, वॉक करो, पानी पियो, वॉशरूम जाओ, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो, मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करनी, खाना भी खा रहे हैं काम भी कर रहे हैं भाई, ये नहीं करना चाहिए, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ऑफकोर्स मेडिकल स्टूडेंट इन द सेंस, मेरे को साइंस की नॉलेज है और मेरे को भी पता है कि मल्टीटास्किंग करने से क्या होता है, उस पर भी एक शॉर्ट्स बना दूंगा मैं, देख लेना, अभी नई शॉर्ट्स होंगी मेरी, ठीक है। तो समझो क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, ठीक है। तो हम आपके भले के लिए, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो सहमत होंगे कि इस वीडियो को हम, अगर आप अभी तक देख रहे हो थैंक यू सो मच, कुछ लोग तो होंगे जो बीच में छोड़ के चले गए होंगे, आई डोंट केयर, मैं आप सबकी हेल्थ की चिंता करता हूँ, मेरे को बस ये है कि मैं, अगर आप लोग कुछ लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं पूरा या फिर इसी में कंप्लीट कराओ, कुछ लोग होंगे जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी या फिर है, आप सब टॉपर्स हो, मेरे सामने जो शख्स है ना टॉपर है, लेकिन सच कहूँ आप सबके अंदर इतनी ज़्यादा हेल्थ कैपेसिटी नहीं होती है सबके अंदर, क्या मेरे अंदर भी नहीं है कि मैं 24 घंटे बैठा रहूँ ऐसे देख के, नहीं। आपको इस वीडियो को देखना है, देखो, मैं अगली वीडियो बना दूंगा, है ना, एक वीडियो ये बना देता हूँ किडनैप प्रोटेस्टा तक, ठीक है, अगली वीडियो बना दूंगा किंगडम फंजाई, देख दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, किंगडम फंजाई है, उसके बाद मैं ये डिस्कस करूंगा बैसिडियोमाइसिट, ड्यूटेरियोमाइसिट, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया, वायरस, और हो गया हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है, समझो बात को और आगे चलो, ठीक है, चलो, ठीक है। डाई आइटम्स की अगर हम बात करें, डाई आइटम्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ अभी आपको, गोल्डन एल्गी जिसे हम डेस्मिड्स बोलते हैं, ये हमारे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और हमारे मैराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडी होती है जो कि फ्लोट करती है पैसिवली इन वाटर करंट्स, यानी कि जब भी प्लैंकटॉन्स जिसे हम जू प्लैंकटॉन्स बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स वो बॉडी होती है जो धरती के ऊपर यानी कि जो समुद्र के ऊपर तैर रही होती है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स जो होते हैं उनके सेल वॉल दो ओवरलैपिंग शेल्स से बनी होती है, मतलब ऐसे उनकी दो ओवरलैपिंग शेल्स से बनी होती है विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स, आपने सोप का बॉक्स देखा होगा जिसमें साबुन डालते हैं, उसके बॉक्स को कैसे ऊपर नीचे ऐसे पैक कर देते हैं, डब्बा तो देखा होगा, डब्बे को तो आप पैक करते ही हो, डब्बे की तरह वो बंद हो जाती है, एंड द बॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका जेल। ये क्वेश्चन आता है नीट में कि ऐसी कौन सी सेल वॉल होती है जो डायटम्स में पाई जाती है, वो होती है सिलिका, एंड द बॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल, और वो उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, हलवा नहीं है ब्रेक करना उसे। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, और जैसे वो मरते हैं वो अपने पीछे बहुत सारा सेल वॉल डिपॉजिट यानी कि अपने सेल वॉल का मटीरियल यानी कि सिलिका छोड़ कर चले जाते हैं, जिसे आजकल हम जेल बनाने में, शेल्स बनाने में और आर्टिफैक्ट्स में हम यूज करते हैं। बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वो डायटमिशियस अर्थ बन जाएंगे, यानी कि जब बहुत ही करोड़ों करोड़ साल बाद हम देखेंगे तो वो बिलियन ऑफ ईयर्स बाद क्या हो जाएगी कि जब एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो वो बन जाएंगे डायटमिशियस अर्थ। डायटमिशियस अर्थ मतलब वो अपने आप पीछे बहुत सारा सिलिका छोड़ के चले जाएंगे और हर जगह सिलिका ही सिलिका होगा अर्थ पे, जिसकी वजह से हम उसे डायटमिशियस अर्थ भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हम उसे पॉलिशिंग में यूज़ कर पाएंगे, हम उसे फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज़ कर पाएंगे, हम
चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहते हैं डायटम्स को, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन मतलब जो शेल्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, जो सीपे बनाने में यूज करते हैं, सीपे सीप बनती है ना, ये सीप बनती है, ये समुद्र के नीचे सीप बनती है ना, जो ऐसे होपफुली आप समझ गए होंगे, जो शेल्स होती हैं वो बनती है, ये इनकी वजह से ही बनती है, चीफ प्रोड्यूसर मोती बनते हैं ना, जो इनकी वजह से बनते हैं, ठीक है। चलो आगे चलें, सांस ले लो। चलो डायनोफ्लैजेलेट्स की अगर हम बात करें तो इनके नाम में ही है डायनोफ्लैजेलेट्स। फ्लैजेलेट्स मतलब जिनके पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला मतलब ये देखो जिनके पास फ्लैजिला होता है, ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट्स मतलब इनके पास फ्लैजिला होता है मूवमेंट्स करने के लिए। और तो और मैं आपको आपके इसी करेक्टरिस्टिक बताता हूँ क्या है। इनऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मैराइन होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैराइन मतलब जो खारे पानी में रहते हैं, और फोटोसिंथेटिक मतलब जो धूप से अपना खाना बना लेते हैं। येलो कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो ब्राउन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स। उनके सेल के अंदर जो पिगमेंट होता है उसके बेस पे वो अपना कलर शो करते हैं। जो सेल वॉल होती है उसके पास स्टिफ सेल वॉल प्लेट्स होती हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि जो स्टिफ सेल वॉल प्लेट्स है, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ठीक है, ये पांच प्लेट्स होती हैं ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं उनके टू फ्लैजिला होते हैं। ये देखो एक यहाँ है इनका फ्लैजिला, और एक इसके पीछे भी होता है एक, ठीक है, ये होता है या फिर यहाँ पे भी होता है एक, तो दो होते हैं इनके पास फ्लैजिला। लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक ही साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखो अगर मैं आपको ड्रॉइंग हटा दूं यहाँ से, तो ये देखो ये इनके पास ये है ना, ये देखो एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है, ये जो दिख नहीं रहा ये, ठीक है ये। और अगर हम बाकी बात करें ट्रांसवर्सली की, तो कुछ यहाँ पे होते हैं, कुछ यहाँ पे होते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इन अ फ्यूरो बिटवीन द बॉल प्लेट्स, कुछ उनके बीच से भी निकल रही होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, बिटवीन द बॉल प्लेट्स। वेरी ओपन अगर हम बात करें, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जो रेड कलर के होते हैं, जिन्हें हम गाइनोलोक्स भी बोलते हैं, अंडरगो सेक्सुअल रैपिड मल्टीप्लिकेशन। वो इतनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि वो सी को भी रेड बनाते हैं, मतलब कि ऊपर ऊपर से बिल्कुल रेड लगता है कि पूरा का पूरा जो सी है, यानी कि पूरा का पूरा जो समुद्र है, सारा के सारा लाल हो गया, खून जैसा लाल हो गया। उसमें टॉक्सिन होते हैं जो कि मैराइन एनिमल्स को भी किल कर देते हैं, जैसे फिशेज, ठीक है, ऐसे टॉक्सिन होते हैं उसके अंदर जो कि फिशेज को भी किल कर देते हैं। यूक्लिनोइड्स कहते हैं, फटाफट से, आपको टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये मैं टाइम वेस्ट नहीं करता कभी भी, ये टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आप अपना टाइम दे रहे हो तो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। यूक्लिनोइड्स, ये यूक्लेना से आता है वर्ड, यूक्लेना मतलब कि ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि जो रुके हुए पानी में रहते हैं, मतलब जो पानी रुका हुआ होता है, रुका हुआ यानी कि जो पानी ठहरा हुआ होता है उसमें रहते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखती है। आप देख सकते हो इनकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इनकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। उनके पास टू फ्लैजिला होता है, ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो, ये एक फ्लैजिला है और ये एक फ्लैजिला है, ठीक है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, ठीक है, एक ये देखो ये शॉर्ट है और एक ये लॉन्ग है। ये क्या करते हैं, अगर सनलाइट आ रही होती है तो उसके प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं, और अगर सनलाइट नहीं आ रही होती तो दूसरों से अपना खाना ले लेते हैं, ठीक है, मतलब खाना तो लेना ही है, धूप आ रही है तो खुद बना लेंगे, और अगर धूप नहीं हो रही होगी तो दूसरों से ले लेंगे, यानी कि हेटरोट्रॉफिक हो जाएंगे। बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। इंटरेस्टिंगली उनका जो पिगमेंट होता है यूक्लिनोइड्स का, वो हायर प्लांट्स के सिमिलर ही होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल उसके नाम में ही है यूक्लिना, जो हम 2.4b यानी कि इसमें देख सकते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स की अगर हम बात करें, स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी जो है वो डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स पे होती है, मतलब कि जो पत्ते होते हैं या जो टहनियाँ होती हैं या फिर जो फ्रूट्स होते हैं जो सड़ जाते हैं, ये उनके ऊपर आ जाते हैं और उनका एनगल्फ करना शुरू कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। सूटेबल कंडीशंस के अंदर ये अपने प्लाज्मोडियम्स फॉर्म करते हैं, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन करते हैं, मल्टीपल फ्यूजन विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और वो जब ग्रो करते हैं तो काफ़ी फीट तक, फीट मतलब पैर नहीं, फीटो, फीट, इंच, इंचों तक, फुट तक ग्रो कर लेते हैं।
ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, यानी कि वो बना लेते हैं, वो मल्टीपल फ्यूजन कर लेते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो प्लाज्मोडियम होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है और फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। देखो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो प्लाज्मोडियम बना लेंगे, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो जो प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, लिविंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, जो उनके स्पोर्स को टिप्स पे छोड़ देंगे। दीज स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल, इनके पास ट्रू वॉल्स होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर देखो आप ऐसा है जो हल्के किसी भी प्रेशर को झेल सकता है और रेजिस्टेंट होती है। सर्वाइव फॉर मोर ईयर्स, ये कितने ईयर्स तक सर्वाइव कर सकती है आपको पता नहीं है, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा भी टाइटैनिक है, टाइटैनिक का मलबा जो है कितने फीटों नीचे है, तो ये स्लाइम मोल्ड वहाँ पे भी है, ठीक है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स, जो स्पोर्स हैं वो एयर करंट से डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब कि ये उड़ जाते हैं, जैसे हवा चलती है ये उड़ जाते हैं उसके साथ साथ, इसलिए हमें प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। समुद्र के इलाकों में कभी भी मास्क के बिना नहीं जाना चाहिए, मास्क पा के जाना चाहिए, क्योंकि समुद्री इलाकों में जो नीचे होते हैं अगर कभी हम डाइविंग करने जाएं तो मास्क पा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्लाइम मोल्ड वगैरह का खतरा बहुत रहता है। प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड एज प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स, ठीक है। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और प्रीडेटर्स की फॉर्म में रहते हैं एज पैरासाइट्स। दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के रिलेटिव्स हैं जो प्रोटोजोन्स की फॉर्म में रहते हैं। अगर हम इनके फोर मेजर टाइप्स की बात करें तो आप समझ जाओगे कि इनकी क्या बात कर रहा हूँ मैं। एक तो होता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, जो अमीबा की तरह पैरामीशियम और स्यूडोपोडिया फॉर्म करते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, सॉरी स्यूडोपोडिया फोर फीट एज एन अमीबा, ठीक है। मैराइन फॉर्म में रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलिका शेल ऑन द सर्फेस, सम ऑफ देम जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, जो कि पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, हाँ अमीबियोसिस कॉज करते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे इस जाके डिसीजेज में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ोगे प्लस टू के अंदर। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें, द मेंबर ऑफ ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, फ्लैजिला होता है जिनके पास, ठीक है, जिनके पास फ्लैजिला होता है, ठीक है, और ये फ्लैजिला होता है जिनके पास, दे हैव फ्लैजिला, पैरासिटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो डिसीज कॉज करती है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। FSS से याद रखो, फसाई, FSSAI याद रखते हो ना, तो FSS से याद रखो, FSS मतलब फास्ट से याद रखो, फास्ट मतलब F से फ्लैजिलेटेड, S से स्लीपिंग सिकनेस और T से ट्राइपैनोसोमा, ठीक है। अमीबियोइड में याद रखो, अमीबियोइड से P से याद रखो, मटर होती है ना, P मतलब P से पैरासाइट, E से एंटमीबा और A से अमीबियोइड प्रोटोजोन, ठीक है। सिलिएटेड ये देखो, इसे याद रखो पी से, मतलब अमीबियोइड को याद रखो पी से, ठीक है। अच्छा फ्लैजिलेटेड को याद रखो फास्ट से, ठीक है, इसे याद रखो फास्ट से। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें, इनके पास सीलिया होते हैं, ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोन एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं, जो मूव करते रहते हैं। थाउजेंड ऑफ सीलिया होते हैं इनके पास, जो कैविटीज होती है जिन्हें हम गलेट भी बोलते हैं, वो ओपन रहती है टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। सर गलेट याद नहीं रहेगा, हम कैसे याद करें। देखो सिलिएटेड है, जिप्सी याद रख लो, इसे जिप्सी याद रहती है ना, जीपीसी मतलब बुलेट्स इन सिलिएटेड प्रोटोजोआ, ठीक है। जीसीपी याद रख लो, टीपीजी याद रख लो, या जिप्सी याद रख लो, जिप्सी मतलब बुलेट इन प्रोटोजोआ सिलिएटेड, ठीक है। दैट ओपन्स द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो अब सरफेस के आउटसाइड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। इनकी कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऐसी होती है कि ये वाटर लैडिंग, यानी कि जो वाटर करंट्स होते हैं वो उनमें से फूड को कैप्चर करके उन्हें खा जाती है अपनी कैविटीज के थ्रू, जैसे हम बोलते हैं पैरामीशियम, मतलब कि ये पानी है, ये देखो ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये ठीक है, ये पानी है और ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है पैरामीशियम, ठीक है, इसके अंदर ये है पैरामीशियम, तो और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इसके पास है यहाँ पे खाना, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे है खाना, ठीक है, और इनके पास क्या है, इनके पास है सीलिया, ये ठीक है, ये है सीलिया। तो क्या करते हैं, ये इनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, ये इनको ट्रैप कर लेते हैं
और क्योंकि इनके पास हाइड्रोफिली होते हैं ना, मिसलेजिनियस कैविटी होती है, मिसलेजिनियस म्यूकस होता है इनके पास, जिसे वो चिपक जाते हैं और फिर ये अपने कैविटी के थ्रू से खा लेते हैं, मतलब इनके कैविटी के थ्रू से खा लेते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल पैरामीशियम। चलो आगे बढ़े, स्पोरोजोन दिख नहीं रहा, ये लो ठीक है, कुछ नहीं सर, हम पढ़ना नहीं चाहते, अब आगे जल्दी बता दो, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं इनके पास, पढ़ना नहीं चाहते, इन द सेंस कि बस जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करो। तो इन्फेक्शन, अगर मजा आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तो मजा के लिए कह रहा था आपके, क्योंकि मुझे पता है ना ज्यादातर ऐसे भी हो जाता है मन की यार बस बहुत थक गया, मैं बहुत पढ़ लिया, बस जल्दी इस वीडियो को खत्म करता हूँ, कुछ लोग तो छोड़ के भी चले गए होंगे अब तक। ठीक है, अगर अब तक बने हुए तो थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू यू। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, इनके पास स्पोर्स होते हैं, स्पोर नाम से पता चल रहा है, स्पोरो जोआ, जोआ मतलब जो मोटाइल होते हैं, और स्पोरो मतलब इनके पास स्पोर्स होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल में स्पोर फॉर्म करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें, मल्टीपल फिशन करते हैं, मलेरिया के अंदर पैरासाइट्स होते हैं जो मलेरिया कोज करते हैं, डिसीज जिसके पास स्टैगरिंग इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, कि पहले एनिमल्स को क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए लीनियस आए, लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जिसकी वजह से उन्होंने प्लांटियर एनिमेलिया के बारे में बताया, लेकिन बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, इन सबको कहाँ रखा जाए, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और ऐसी काफ़ी कैटेगरीज थी जिसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन फिट नहीं बैठ रही थी, और कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन थी जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ बोल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से उनको क्या किया, जिनकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको कब और कैसे करना चाहिए या फिर उनको किस में कहाँ डालना चाहिए, और वो ऐसे चेंज करने लगे। तो वहाँ पे आर एच विटेकर आए, आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, एम पी एफ पी ए, मफपा, ठीक है मफपा याद रखो, एम पी एफ पी ए, अबे एम पी एफ पी ए, ठीक है मफपा, एम पी एफ पी ए, ठीक है मोनेरा से प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है बाकी सब यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल मोनेरा की नॉन सेलुलोसिक होती है, बाकी सबकी किसी की सेलुलोज की होती है, किसी की चिटिन की होती है, किसी की एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा प्रोटिस्टा में सेलुलर, फंजाई में मल्टी सेलुलर, प्लांट एनिमेलिया में प्लांट टिश्यू और ये टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, फंजाई में हेटरोट्रॉपिक, प्लांट में ऑटोट्रॉपिक, एनिमेलिया में हेटरोट्रॉपिक, और होलोजाइक भी होती है। ठीक है, तो ये उनको उसके अंदर कैटेगराइज करने लगे, साइनोबैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर नहीं आ रहे थे, जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे जो प्लांट के अंदर आ गए थे, तो उनको उसमें लेके आए प्लांट के अंदर, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लेमेडोमोनास, स्पायरोगायरा, इन सब के अंदर बहुत कन्फ्यूजन होने लगी, फंजाई की सेल वॉल होती है तो उसको यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में रख दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी तो सेल वॉल चिटिन की बनी होती है, तो फिर उसका अलग से किंगडम बनाया सेल वॉल, ये सेल वॉल की वजह से जिसे हम किंगडम फंजाई कहते हैं, जो हम कल पढ़ना शुरू करेंगे अब। ठीक है, पहले तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके सेलुलोज ये बहुत ही है, ठीक है किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ऐसे ओरिजिनेशन में आए, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटिंग, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें, इसमें हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, चार तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई, बैसिलियस, स्पायरला, विब्रियो, ठीक है इसमें क्या होते हैं, सिंपल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, बिहेवियर भी इनका डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं वरना दूसरे से ऑब्टेन करते हैं पैरासाइट्स के फॉर्म में, या फिर कीमोसिंथेटिक फॉर्म में बना लेते हैं अपना खाना। ठीक है, इसके अंदर वास्ट मेजोरिटी होती है बैक्टीरिया की जो कि हेटरोट्रॉप्स के फॉर्म में होती हैं, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फूड, ठीक है वो दूसरे ऑर्गेनिक मैटर में रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, दूसरों से ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना ऑब्टेन करती है, इस डेड एंड डिकेइंग मैटर। आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया सिंपल फॉर्म में होते हैं, इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, इसलिए बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, ये एक्सट्रीमली हाई सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग, थर्मोसिलोफाइट्स और मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, ये रूमिनेंट होते हैं, काऊ के जो गाय के गोबर होते हैं उनके अंदर मिथेन गैस प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे बायोडिग्रेडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यू बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी जैसी कुछ मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं, जिलाटेनियस शीथ होती है, ओपन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज,
सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, ऐसे सेल्स होते हैं स्पेशलाइज सेल्स जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, पाए जाते हैं नोस्टोकल एनोबिना जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स अमोनिया को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन और सल्फर को यूटिलाइज कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें डिकम्पोजर्स होते हैं, और तो और जैसे हम दूध दही बनाते हैं दूध से, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेजुमिनियस प्लांट्स में, और या फिर कुछ पैथोजन जो हमें डिजीज कोज करते हैं क्रॉप्स में डिजीज कोज कर सकते हैं जैसे बैसिलियस थुरिंजियनसिस बीटी कॉटन आगे जाकर पढ़ेंगे, कोलेरा टाइफॉइड टेटनस सिट्रस कैंकर, ये वेल नोन डिसीज है जो कि बेसिकली हमारे अंदर डिसीज कॉज करते हैं बैक्टीरियल डिसीज है। ये क्वेश्चन मन के आ सकता है नीट के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, कोलेरा टाइफॉइड कोलेरा टाइफॉइड एड्स और सिट्रस कैंकर। तो यहाँ पे आएगा एड्स क्योंकि वो वायरल होता है सिंड्रोम होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, बैक्टीरिया जो होता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है मेनली बाय फ्यूजन, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बना लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस करते हैं। माइकोप्लाज्मा जोकर ऑफ द एनिमलिया, ये जोकर ऑफ द किंगडम मुनेरा होते हैं जो कि सेल वॉल नहीं होती उनके अंदर, और तो और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं जो अब तक पाए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पीपीएलओ जिसे हम फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, पीपीएलओ मतलब फ्लोरो PLEURO फ्लोरो निमोनिया, निमोनिया तो जानते होंगे लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर प्लांट्स भी हों, और ऐसा भी होता है कि कुछ साइंटिस्ट प्रोटिस्टा को प्लांट्स मान लेते हैं और कुछ दूसरे प्रोटिस्टा देख लेते हैं। इन दिस बुक हम स्टडी करेंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में, बुक के मतलब इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे क्राइजोफाइट डायनोफ्लैजेलेट्स यूग्लेनॉइड्स साइमोल्ड एंड प्रोटोजोआ, जो भाई लास्ट टॉपिक था जिसमें हम स्टडी कर रहे थे कि ये एक्वेटिक होते हैं, इनके अंदर लिंक होता है, ये जो प्रोटिस्टा होते हैं वो लिंक करते हैं प्लांट एनिमेलिया और ये फंजाई को, समझ लो ना। प्रोटिस्टा में एक आता है ई ए पी और एक आता है ए, ए मतलब एनिमेलिया, पी मतलब प्लांट, प्लांट फंजाई एनिमेलिया से लेके ये सबको लिंक करते हैं, और तो और ये यूकैरियोटिक होते हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, सेलुलर कुछ कुछ के अंदर सेल वॉल होती है, फ्लैजेला और सीलिया भी होते हैं इनके अंदर, ए सेक्सुअली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, जैसे सेल फ्यूजन और जायगोट फॉर्मेशन भी करते हैं। क्राइजोफाइट्स जो होते हैं, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, रिकैपिटुलेशन है एक, क्राइजोफाइट्स जो होते हैं वो दीज ग्रुप होते हैं जिनको डायटम्स होते हैं, गोल्डन एल्गी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैरिन वाटर में पाए जाते हैं, फ्लोट करते हैं पैसिव ग्रीन वाटर जिसे हम जू प्लैंकटन बोलते हैं, वाटर करंट्स मतलब जो लहरों के ऊपर तैरते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। इन डायटम सेल वॉल जो होती है वो टू ओवरलैपिंग शेल्स यानी कि सीप की तरह बनी होती है, जो सॉफ्ट बॉक्स की तरह होती है, जो बॉल्स होती हैं वो इनकी सिलिका से बनी होती है जो अनडिस्ट्रक्टेबल होती है, जिसकी वजह से ये इंडेस्ट्रक्टेबल होती है और इनसे सीप बनते हैं, और सीप बनने की वजह से ये एक टाइम ऐसा आएगा करोड़ों साल बाद कि जो अर्थ होगी वो डायटमेशियस अर्थ के नाम से जानी जाएगी, और बींग ग्रिटी या पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप और चीफ प्रोड्यूसर वॉशिंग के नाम से जाने जाते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स की अगर हम बात करें, मैराइन होते हैं, फ्लैजेलेट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो ग्राउन ये रेड ब्लू ग्रीन येलो ब्राउन होते हैं, सेल वॉल्स होती हैं इनके स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स की बनी होती है जिनके अंदर टू फ्लैजेला होते हैं, या तो वो ट्रांसवर्स होते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और इनके अंदर वॉल प्लेट्स भी निकल रहे होते हैं। रेड कलर के डायनोफ्लैजेलेट्स गायनोलॉक्स होते हैं जो इतने नंबर में होते हैं कि वो पूरे के पूरे सी को ढक लेते हैं और रेड टाइड्स बना देते हैं यानी कि रेड सी बना देते हैं जिसे हम डेड सी भी बोल जाते हैं, डेड सी अलग होता है रेड सी बोलते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। यूग्लेनॉइड्स की अगर हम बात करें, यूग्लेना नाम से भाई चल रहा है, यूग्लेना यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्टैग्नेंट वाटर यानी कि ठहरे हुए पानी में रहते हैं, सेल वॉल जो होते हैं गहरे पानी ठहरे पानी में रहते हैं, ठहरे मतलब जो ठहरा हुआ होता है रेस्ट पे रहता है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की अगर हम बात करें इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनके अंदर प्रोटीन रिच लेयर होते हैं जिसे हम पेलिकल बोलते हैं जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल रखती है और प्रोटेक्ट भी करती है। इनके अंदर टू फ्लैजेला होते हैं जो एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और हेटरोट्रॉपिक होते हैं सनलाइट के एब्सेंस में, और स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के वो हंट करते हैं। यूग्लेनोड जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट्स के कंपैरिजन में, यूग्लेना इसका बेस्ट एग्जांपल है। स्लाइम मोल्ड्स की अगर हम बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स जो है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं जो कि
डिकेइंग डेड एंड डिकेइंग मैटर पाए जाते हैं, गहराइयों में पाए जाते हैं, हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, एनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, अंडर सूटेबल कंडीशन में पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम के अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीपल फिजन के थ्रू, ये सेवरल फीट यानी कि फुटों के अंदर सेवरल फीट्स की तरह ग्रो कर सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में वो ये क्या बना लेते हैं प्लाज्मोडियम में डिफरेंशिएट, फेवरेबल कंडीशन में वो प्लाज्मोडियम बन जाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में वो फ्रूटिंग बॉडी बन जाते हैं जो कि स्पोर्स भी बनाते हैं टिप पे। तब स्पोर्स बिकम्स ट्रू बॉल, स्पोर्स के बाद ट्रू बॉल होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, वो एयर करंट्स के थ्रू डिस्पर्स हो सकते हैं, तो हमें उनकी प्रोटेक्शन रखनी चाहिए कि वो हमारे स्किन में फंगस प्रॉब्लम कर सकते हैं। प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं और प्रेडेटर्स के फॉर्म में रहते हैं, हमारे पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ये हमारे एनिमल्स की प्रिमिटिव रिलेटिव्स रह चुके हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते ही हैं। फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें, एमीबॉइड, फ्लैजिना, सिलेटेड, पोरोजोआ, ACFC, यानी कि HDFC तो सुना ही होगा, तो बस वैसे ही AFSC, ICFC सुना होगा, ICFC, IFSC तो सुना होगा, तो AFSC सुन लो बस, AFSC मतलब एमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोन्स। आंखें बंद करो अपनी, अब सुनो, अमीबियर प्रोटोजोआ जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, सी वाटर होते हैं, मॉइस्ट सोल होते हैं, मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट शूडोपोडिया, अपने शूडोपोडिया से वो प्रे को कैप्चर करते हैं, अपना खाना खाते हैं एज एन अमीबिया। मैराइन फॉर्म जो होते हैं सिलिका शेल के अंदर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा हिस्टोरेटिका, जो कि बेसिकली एंटामीबा हिस्टोरेटिका जो है अमीबियोसिस कॉज करने में हेल्प करती है, जो कि एक फंगल डिसीज है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें, इसे आप इसे याद रखोगे पी से याद रखोगे, मटर मतलब पी, मतलब पी से पैरासाइट्स, इसे एंटामीबिया, ई से एंटामीबा और ए से एमीबियोइड प्रोटोजोआ, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, जिनके पास फ्लैजिला होता है फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म जो है डिसीज कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस के नाम से है, आप इसे FSC फास्ट से कर सकते हो, फास्ट से FASD मतलब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, एफ से फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, एस से स्लीपिंग सिकनेस और टी से ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा जो है विटामिन पता नहीं शायद के की मदद से, के तो हीमोफीलिया की मदद से होता है, सी से होता है शायद, सी से होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ट्राइपैनोसोमा होता है, आप सर्च करके कमेंट करना। सीरिएटेड प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, दे हैव कैविटी, उनके अंदर गलेट्स होती हैं जो कि बेसिकली आउटसाइड होते हैं सेल सर्फेस के, ताकि वो तो अपने खाने को ग्रैब करके खा सके। उनके पास म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो कि बेसिकली हाइड्रोफिलिक करती है, मतलब कि पोलन ग्रेन्स या काफी ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के खा लेती है, और इसी वजह से इसके बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्पोरोजोआ नाम ही आता है स्पोर, स्पोर मतलब स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं लाइफ साइकिल के फॉर्म में। प्लाज्मोडियम जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, जैसे मलेरिया पैरासाइट्स कहते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, इट इज द बेस्ट साइंटिफिक एजेंट्स जो कॉज करते हैं मलेरिया, और ये ऐसे डिसीज है जो कि स्टैगरिंग इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ। हमने चैप्टर खत्म किया है 1 घंटा 15 मिनट में, और आपको ये चैप्टर पसंद आया, अभी तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अगली वीडियो भी आएगी इसके ऊपर, लेकिन देखो ज्यादा लंबी चैप्टर है वैसे तो हो गई होगा ना, लेकिन अगर आपको पसंद आया सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना प्लीज। आप मैं दीपक अग्रवाल हूँ और आप लोग की सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, फेसबुक पे फॉलो कर देना, और बाकी फाइवर ऐप पे मैं हूँ। आपको अगर मुझे मतलब करना है, अगर आपको एडिटिंग करवानी है मुझसे, कोई भी गिग प्रोड्यूस करना है या फिर पोस्ट प्रोडक्शन करनी है, कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, तो आप मुझे बोल सकते हो। इंस्टेड कोई भी मतलब जैसे कोई भी कोट लिखना हो, कोई भी टेम्पलेट डिजाइनिंग करनी हो, कोई भी लाइक एडिटिंग करनी हो, सबटाइटल्स ऐड करनी हो, वो आप मुझे दे सकते हो। 400 से 431 से शुरू हो रहा है प्राइस, $5 से शुरू हो रहा है प्राइस ना, डेट्स वाई आप उसमें एनरोल कर सकते हो, और मुझे जाके सर्च करो दीपक अग्रवाल के नाम से, एल में टाइप करना, दीपक अग्रवाल पे आ जाएगा, ठीक है, AGGARWA उस पर आ जाएगा, ठीक है, दीपक अग्रवाल के नाम से आप मुझे जाके सर्च करना। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, मिलते हैं नई वीडियो में नई एनर्जी उत्साह के साथ। लव यू गाइस, तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।